प्रकार से देख सकते हैं लखीमपुर खीरी के पास ये ओयल का मेढक मंदिर, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। इसका बाहर का नज़ारा ये है, यहाँ से आप आएंगे और ऐसे करके बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाया जा रहे हैं कि आप प्रकृति का बहुत ही सुंदर ये यहाँ पे मेढक बना हुआ है। ये विश्व का पहला एक ऐसा मंदिर है जो मेढक के ऊपर विराजित किया गया, इसको बनाया गया। यहाँ के राजा जो थे उन्होंने यहाँ के इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पे लाखों की संख्या में दर्शक आते हैं और आगे यहाँ की उत्कृष्ट नमूनाओं का वर्णन करते हुए इसका सुंदर दृश्य देखकर आनंद की प्राप्ति करते हैं। आप देख सकते हैं स्थापत्य कला का क्या नमूना दिखाया गया है इसमें, ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य। गणेश जी की और दुर्गा माँ की सबकी तस्वीर बनी हुई है और बहुत ही सुंदर दृश्य ये मेढक यहाँ पे बना हुआ है। और इसी मेढक के साथ ये फुलवारी वगैरह है यहाँ पे, इधर से ये आउटर का सरफेस है, इधर से एंट्री होगी हम लोगों की। और अगर देखेंगे तो बहुत ही स्थापत्य कला की सीढ़ियों का शानदार प्रदर्शन दिखाया गया, ये मेढक बना हुआ है। और साथ ही साथ में यहाँ से इसका ये देखिए इसके जो गुंबद है कितना शानदार गुंबद है और ये गुंबद कितनी ऊंचाइयों को छूता हुआ यहाँ पे स्थित है। और इसी के पीछे ये एक और गुंबद देखने को मिल सकता है आप लोगों को, वो जो दिखा रहे हैं वो गुंबद। और यहीं पे इसके पीछे ये एक है और यहाँ पे इधर इसका पीछे फुलवारी वगैरह दिखाई गई है। और ये मेढक का आप पाँव देख सकते हैं, ये मेढक का पैर, ये मेढक का मुख, और ये देखिए कितना सुंदर और शानदार और बिल्कुल सेम जैसा मेढक होता है वैसा ही दर्शन दिखाया गया। ये मेढक का मुख दिखाया गया यहाँ पे, और मेढक के मुख के साथ साथ ये ऊपर जाती हुई सिर्फ सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर मंदिर बना हुआ, वो आपको ऊपर कुआं दिखाई देगा। वो जो कुआं दिखाई दे रहा है वहाँ पे वो कुआं है, उस कुएं के द्वारा यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। वहाँ आपको ऊपर चल के दिखाते हैं दृश्य आगे का, क्या दृश्य है। ये मेढक है, इसके ऊपर से चलेंगे और ऐसे करके रास्ता है, इस सकरीले रास्तों से आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये इसका पीछे का बैकग्राउंड कितना शानदार और बहुत ही उत्तम शानदार, ऐसे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, ये बहुत ही शानदार दृश्य है। और इसके बारे में क्या जितना भी कहा जाए, आप वो ऊपर का गुंबद देख रहे हैं, वो गुंबद ऐसा इतना प्राचीन गुंबद है, ऐसा माना जाता है कि एक समय था ऐसा जब यहाँ पे बाढ़ का बहुत ही खतरनाक आसार हो गए थे, तो यहाँ राजा ओयल जो थे उन्होंने, ये लखीमपुर के पास 10 किलोमीटर की दूरी पर ओयल नामक स्थान है, वहीं पे ये मंदिर है। और बहुत ही शानदार और सुंदर नमूना आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए पीछे का भी दृश्य देख सकते हैं आप। ये जो दृश्य दिखाना चाह रहे हैं उसको बैक कैमरे से हम दिखाते हैं, क्या मैं आपको ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाती हैं, ऊपर का ही रास्ता है, उस रास्ते पर हमको लेके चलती हैं। आइए चलते हैं आप लोगों को सीढ़ी के ऊपर, बहुत ही शानदार और सुंदर दृश्य ये देखिए, ये ऊंचाई से आप देख सकते हैं कितना सुंदर नमूना दिख रहा है पीछे, ये आगे की ओर मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर नमूना वो जो दिख रहा है। और यहाँ पे सब बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य, दूर दूर तक दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, बैक कैमरे से दिखाऊंगा। आसपास की आबादी है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, संगीत का वादन हो रहा है, बहुत ही अच्छी ध्वनि निकल रही है। और ये मेढक के ऊपरी का स्थान है, ऊपरी हिस्सा है मेढक का, यहाँ पे लोग हैं बैठे हुए हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य। यहाँ पे विभिन्न कलाओं के दृश्य दिखाए दिए हैं, हनुमान जी का चित्र बना हुआ है यहाँ पे, हनुमान जी का चित्र बना हुआ है, साथ में कोई देवी जी की तस्वीर बनी है, मैं ये नहीं बता सकता कि ये किसकी है, प्राचीन काल की है। और यहाँ पे आशीर्वाद देते हुए और विभिन्न कलाकृतियों के माध्यम से दर्शाया गया है उस समय के वातावरण को, उस समय की स्थानीय दशाओं को बहुत ही सुंदर और प्राचीन तरीके से। यहाँ पे राजा ओयल के माध्यम से जिस मंदिर का निर्माण कराया गया, यहाँ पे कुछ मरम्मत का कार्य चल रहा है, इसी वजह से यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है। और वो जो आपको वो दिख रहा है, मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा, वो जो जीने दिख रहे हैं, सीढ़ियाँ दिख रही हैं, वहीं से बाहर से वो रास्ता जो आया है वहीं से अंदर चढ़ के नीचे उतर के एंट्री का है यहाँ पे। और ये इधर इसका बहुत ही शानदार दृश्य देखना चाहते हैं आप, ये फुलवारी दिखाई गई है, ये एक और जीना है उतरने के लिए, उधर वाले जीने से हम लोग चढ़ के अंदर आए थे, और ये इधर है। और आपको मंदिर का आगे आगे मंदिर है, ये पूरा ऊपर तक के बहुत ही ऊंचाई तक का बना हुआ है, सुंदर दृश्य है मंदिर का, मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाइए मेरे साथ, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे मंदिर, बहुत ही सकरीले रास्ते हैं, ये देखिए अगर यहाँ से गिर जाएँ तो लगभग छोटी सी चोट तो लग ही सकती है। और ये हम आपको बैक कैमरे से दिखाएंगे, अभी बैक कैमरा करके आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितना सुंदर दृश्य, बहुत ही शानदार,
देखने पे पता चलता है। बहुत ही सुंदर दृश्य है, आपको बैक कैमरे से दिखाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको नजर आएगा कि क्या हम दिखाना चाहते हैं। ये जो कुआं दिखा रहे हैं ये प्राचीन कालीन कुआं है, जहाँ ऐसा माना जाता है कि उस समय पर जो यहाँ पर रानी थी वो आती थी और इसी से पानी भरती थी और मंदिर की धुलाई साफ सुथराई जो होते थे इसी कुएं से किया जाता था। आपको मैं दिखाना चाहूँगा बैक कैमरे से कि ये कुआं कितना गहरा है। बहुत ही गहरा है और थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है उसके अंदर, और हमारा वीडियो बनाते हुए तस्वीर भी आपको दृश्य दिखाई दे सकती है। वो देखिए, ये देखिए, और यहाँ पे ये मेन मंदिर आपको दिखाना चाहते हैं। अभी मंदिर अभी आपको दिखाएंगे, ये हम आगे चल रहे हैं, ये कुआं है, ये बाल्टी है, इसी से रानी पानी भरती थी। ये मंदिर आपको दिखा रहे हैं, मैं इधर से दिखाता है मंदिर। बहुत ही सुंदर ये दरवाज़ा है मंदिर का, और ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। पैर छू लेते हैं, अंदर चल के आपको दिखाते हैं। भीगी हुई है, साफ़ सफाई है, यहाँ पे गऊ जी बनी हुई हैं, ये भगवान शिव जी का वो शिवलिंग है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर दृश्य मंदिर का बना हुआ है। इधर दृश्य है, पंखा चल रहा है, हवा चल रही है, बहुत ही सुंदर दृश्य। ये भोले जी हैं, यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है, नाग बना हुआ है, और ये आज सावन का दिन है तो यहाँ पे पूजा अर्चना हुई और कैमरा वगैरह सब लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य, ये गुंबद वगैरह प्राचीन काल के ही हैं, सब आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्या हुआ। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग आपको अब वापसी का करते हैं यहाँ से, क्योंकि देर ज़्यादा हो चुकी है आए हुए। अब ये कपाट हैं, ये ऐसे बाहर खुलते हैं, यहाँ से बाहर निकलने का ये रास्ता है। इधर से निकल के अब बाहर चलना है। ये कुआं तो आपको दिखा ही चुके हैं, ये इधर का रास्ता था, अब हम लोग नीचे की ओर चलते हैं। खैर इधर से तो जीना खाली नहीं है, उस वाले जीने से निकलेंगे हम, इस वाले जीने से निकलते हैं। मंदिर तो आपको दिखा दिया, इसके पीछे जो वो था कच्छ था उसी में मंदिर। ये प्राचीन कालीन नालियाँ जो शिवलिंग में दुग्ध वगैरह जो चढ़ाया जाता है अथवा जो साफ़ सफाई कराई जाती है, ये मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि इस नाली का क्या कार्य है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो साफ़ सफाई होती है ये उसकी साफ़ सफाई के पश्चात उसका जो पानी निकलता है, ये पानी इस नालियों से निकलता हुआ ये नीचे की ओर जाता है। ये अंडरग्राउंड है और वो जो वाह नाली वो आपको दिख रही है वो उस नीली लाल लाल उस नाली में जाके पानी प्रवेश करता हुआ बाहर की ओर निकल जाता है। ये जीने हैं, इधर से निकलते हैं, नीचे उतर रहे हैं, आपको उतरना है नीचे से, नीचे उतर के बाहर चलना। तो आपको दिखा दिया, बहुत ही संभल के चलने वाला है, जीने थोड़े ऊंचे ऊंचे हैं, थोड़ा सा डर तो लगता ही है, पहली बार आओ तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। अब बाहर की ओर निकल रहे हैं हम लोग, देर हो चुकी है और जाना भी है घर। तो यही के साथ आप लोगों को मैं अलविदा कहना चाहता हूँ, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और तो आपको पहले थोड़ा बाहर निकल के दिखा देते हैं कि क्या दृश्य है। इधर से उतरने का है और ये ऐसे उतरते हैं और ये पैर बना, देखिए, और ये पूरा बन चुका है। यहाँ पे हमारे जूते उतरे हुए हैं, मैं इसको यहाँ पे पहन लेता हूँ, जूतों को ऐसे जूते बना पहन लिए, ये ऐसे निकलना है बाहर। और यहाँ पे आपको दिखा दें एक बार फिर से बाहर निकलने का रास्ता कैसे था, वहाँ से आपको भी मैं ऊपर वहाँ खड़ा हुआ था और वहाँ से जीना आपको दिखाया था, इस जीने से बाहर से रास्ता आता है। ये जीना ऐसे है, आपको दिखाना चाहता हूँ, ये दृश्य है, ये दृश्य है, ये है, अति उत्तम है। ये ऐसे जीने हैं, इन जीनों के माध्यम से जाके बाहर आपको इधर से निकलना है। ऐसे निकलेंगे तो आप ये बाहर आ जाएंगे, फिर बाहर आने के पश्चात ये नज़ारा है। यहाँ पर कुछ दुकानें लगी हुई हैं प्रसाद वगैरह की जो आपको मिल सकती है, गाड़ियों को खड़ी करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था है और शीतल पेयजल के लिए टंकी है, बहुत ही व्यवस्था उत्तम है। जिसको आना हो तो आप आ सकते हैं और आके इस मेढक मंदिर का नज़ारा ले सकते हैं। इसी के साथ हम अब चल रहे हैं और आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा। यहाँ पे देखिए ये सीढ़ी है और ये देखिए यहाँ पे शीतल पेयजल की सुविधा है, व्यवस्था है, बहुत ही ठंडा पानी है, अच्छा है, बहुत मजेदार पानी है, मजा आ गया भाई। ये यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं, ये बाहर का दृश्य था, इधर से हम लोग आए थे। यहाँ पे एक और मंदिर भी है, ऐसे है इधर से रास्ता, ये रास्ता है, इधर से होते हुए हम लोग निकल जाएंगे बाहर की ओर। और बहुत ही सुंदर दृश्य था, ये दिखा दिया आप लोगों को अंतिम बार बाहर से दृश्य क्या कह रहा है। और यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें बच्चों के खेल खिलौने के, चूड़ी कंगन की है और थोड़ी से गेंद बॉल बल्ला बैट ये सब बिक रहा है, ये चूड़ियाँ हैं,
चूड़ियों के आपको दिखा दें, बहुत ही सुंदर यहाँ की प्रसिद्ध चूड़ियाँ हैं। प्रसिद्ध चूड़ियाँ यहाँ पे पीपल का पेड़ लगा हुआ है, ऐसा माना जाता है ये जो है बहुत ही पुराना नहीं कहेंगे लेकिन ये कह सकते हैं कि 200-300 वर्षों पुराना यहाँ पे पेड़ है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण भवन और ऐसे करके लिखा हुआ है, स्वच्छ सर्वेक्षण दिखा दिया गया। ये इधर का बाहर का बाउंड्री है इसकी, बहुत ही सुंदर दृश्य थे। यहाँ पे आसपास नगरी की बस्ती बनी हुई है, महिला क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है दूर से गाड़ी यहाँ डाले, क्या लिखा, गाड़ी नंबर यहाँ डाले जाते हैं। असल में बात क्या है, ये थोड़ा सा धुंधला दिखा रहा था तो इस वजह से पढ़ने में नहीं आया। और ये इधर से ये रास्ता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है, हाँ वो लिखा भूल गया था, मेढक मंदिर रास्ता इधर है। ओम क्या करके लिखा हुआ है, ओम जय भोले लिखा हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन बहुत ही सुंदर यहाँ पे दिखाया गया है, स्वच्छ भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर प्रचार प्रसार हो रहा है। इसी तरीके से हम लोग बाहर की ओर आ गए हैं, अब हम प्रस्थान करेंगे, आगे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे ऑटो चलते हैं, ऑटो के द्वारा ही आ सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और यह इधर रास्ता है, और मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं यहाँ पे आपको आके कैसा लगा। बाय बाय।